जी अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्कर्दू हिमालय होटल। आज हमारा डे 7 है एंड आज का प्लान ये है कि हम लोग जा रहे हैं देवसाई। पहले तो इनिशियली हमारा प्लान था कि हम देवसाई नाइट कैंपिंग करें, फिर आजकल थोड़ा सा ना देवसाई में इशू आ रहा है कि ऑक्सीजन लेवल रात में बहुत कम हो रहा है, तो इस वजह से हम लोगों ने देवसाई में कैंप नहीं किया और हमने प्रेफर किया कि हम सुबह जाएंगे और शाम में वापस आ जाएंगे। और आज लास्ट डे है स्कर्दू में और अभी जा रहे हैं, रेडी हैं, गाड़ियाँ भी हमारी रेडी हैं और देवसाई के लिए निकलेंगे। पहला पॉइंट हमारा सतपारा लेक आएगा, देन उसके बाद देवसाई नेशनल पार्क एंटर हो जाएंगे, फिर देवसाई टॉप आता है, फिर उसके बाद बड़ा पानी रिवर है एंड काला पानी, देन उसके बाद श्योसर लेक। ये सारे पॉइंट्स दिन में हो जाते हैं, क्योंकि अराउंड 12 तकरीबन 10 से 12 घंटे का ये डे एक्सकर्शन है। अगर तो आपको शाम में वापस होटल आना, आप इजीली जाकर वापस आ सकते हैं। कुछ लोग कैंपिंग कर लेते हैं ऊपर, कुछ लोग सुबह जाते हैं और शाम में, मेजॉरिटी सुबह जाकर। जी अभी आ गए हैं सतपारा लेक, ये पीछे जो कि जिसको पहले सतपारा लेक बोला जाता था, अभी सतपारा डैम हो गया है ये। और वो पीछे अगर आपको इस जगह पे नज़र आ रहा हो तो ये PTDC मोटल हुआ करते थे जो कि बंद हैं। और अभी मैं एक भाई से डिस्कस कर रहा था कि वन ऑफ़ द बेस्ट लोकेशंस थी इन PTDC मोटल्स की। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ने, हालांकि ये वाली गवर्नमेंट इतनी प्रो है टूरिज़्म को प्रमोट करने में, लेकिन स्टिल 2 साल से PTDC मोटल्स बंद हैं। इनको ऑपरेशनल करना चाहिए ताकि जो है ना वो अच्छा रेवेन्यू अर्न किया जा सके, और दूसरी चीज़ ये कि टूरिस्ट को एक अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छे होटल्स और कंट्रोल रेट के साथ जो है ना वो मिले जाएंगे। तो बेहतर यही है गवर्नमेंट के लिए कि इनको जो है ना वो PTDC मोटल्स को आगे ऑपरेट। देर के लिए यहाँ पे स्टॉप किए, पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हवा अच्छी खासी तेज़ चल रही है, यहाँ पे ठंडक हो गई है, देखा होगा आपने जैकेट शैकेट पहन ली हुई है हम लोगों ने। यहाँ पे एक और नई चीज़ देखने को मिली है, वो ये कि ये चीज़ SCO ने, जो SCOM है, उन्होंने वाईफाई हॉटस्पॉट बनाया है एक,
यहाँ पर आएंगे आप और आकर अपना वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। मैंने ट्राई किया है लेकिन वो आईडी पासवर्ड मांग रहा है, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा आईडी पासवर्ड है, कहाँ से लेना है, या तो इसके ऊपर कहीं लिखा होगा या फिर जो है वो शायद ये हो कि कोई कार्ड शार्ड मिलता होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे ये एक टक शॉप है, शायद इससे कोई कार्ड मिलता होगा जिस पे आईडी पासवर्ड होगा तो आप वो कार्ड लेकर शायद इसको कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई को देवसाई टॉप पे पहुंच कर भी। मैं देखता हूँ वहाँ पे शायद इसके ऊपर आईडी पासवर्ड लिखा हो। अच्छा जी, ये है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, मोबाइल भी चार्ज हो जाता है। और उसके बाद नहीं, आईडी पासवर्ड कोई नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर्ड बाय SCO वाईफाई हॉटस्पॉट एंड स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका आईडी पासवर्ड क्या है सर? ये वाचर कार्ड मिलेंगे 200 रुपये में। अच्छा, सोशल लेक तक आपको फास्ट नेट मिलेगा। और चलता है? चलता है सर। ओके, और वो किससे मिलता है? वो मेरे पास है सर, ये मैं आपको खुद चला के दिखाता हूँ। ये ओके, ये YouTube चल गया सर। सही ठीक है ना सर? ये डिफरेंट पॉइंट्स पे लगे हुए हैं वहाँ श्योसर तक। जी, बड़े पानी पे भी है। अच्छा, वाईफाई तो बीच में रास्ते में नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब यहाँ चलेगा, फिर बड़ा पानी चलेगा, फिर श्योसर चलेगा। मेन पॉइंट पे लगाया हुआ है सर, जहाँ पे लोग को ठीक जो स्टॉप करते हैं जहाँ। ठीक। तो ये मेन पॉइंट्स तीन आते हैं, जो बड़ा पानी, श्योसर लेक और देवसाई टॉप, जहाँ पे अभी देवसाई टॉप पे तो मैं हूँ। यहाँ पे 200 रुपये का वाउचर मिलता है जिसपे आईडी पासवर्ड है, और आप वहाँ से उसे 200 रुपया पे करके तो आईडी पासवर्ड लेकर कनेक्ट कर सकते हैं, और थ्रू आउट देवसाई फिर आप अपना वाईफाई इंजॉय कर सकते हैं। ये है जी अली मलिक टॉप, और अभी वापस गाड़ी में बैठने लगे हैं फॉर द बड़ा पानी देवसाई, और वहाँ जाके देखते हैं वहाँ की क्या कंडीशन है। जी तो अभी देवसाई में बड़ा पानी एक जो पॉइंट है वहाँ पे पहुँच गए, और टाइम हो गया 2 बजे का, धूप बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे थोड़ी देर ब्रेक की है। यहाँ पे एक ही रेस्टोरेंट है पूरे देवसाई में, पीछे आप देख रहे होंगे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जस्ट चाय और पुलाव और इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं,
सुरखाए जा रहे हैं, आगे निकले जा रहे हैं। इसे आगे शिवसर लेक है, देन अगला पॉइंट जो है ना वो शिवसर लेक का होगा। सेम वही जो है ना वो बारिश का मौसम है, बारिश बीच में मिल जाती है, कभी हो जाती है कभी बंद हो जाती है, कुछ समझ नहीं आ रही कि होगी कि नहीं होगी। तो वेदर बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ, हवा बहुत तेज़ है। अराउंड अभी टेम्परेचर चेक किए, 4 से 5 टेम्परेचर है आज। और दूसरी चीज़ ये है कि आज 14th of August भी है, तो काफ़ी सारे लोग जो है ना वो फ्लैग्स के साथ इस तरह आए हुए हैं, तो एक अच्छा जो है ना वो हल्ला गुल्ला यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी व्यू यहाँ से कैसा है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। शिवसर लेक पहुंच गया हूं और थोड़ा सा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है। पहले तो 15-20 मिनट गाड़ी में ही, सर्दी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी में ही सोते रह गए और अभी उठ के लेक की तरफ आए, नीचे गए थे, सर्दी बहुत ज़्यादा है नीचे, इसलिए दोबारा वापस ऊपर आए। बादल सेम वही चल रहा है यहाँ पे भी, पोजीशन वेदर की वही है, टेम्परेचर अराउंड 4 से 5 डिग्री का ही है। यहाँ वाला टेम्परेचर अभी तक अपडेट नहीं हो रहा, इंटरनेट जो मैंने लिया था वो 200 रुपीज़ का, वो अभी भी यहीं पे चल रहा है और देखते हैं वो कितना टाइम तक चलता है, क्योंकि वो उन्होंने बोला था 4 घंटे तक ये चलेगा। बाकी आप शोसर लेक के व्यूज़ को एंजॉय करें, देवसाई को एंजॉय करें, और मैं यहाँ से करता हूँ साइन ऑफ और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। कल की हमारी वापसी है कराची की, तो कल नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।